खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। और अब खबर नागपुर से, जहां पर सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के समर्थन में रैली आयोजित की गई। लोकाधिकार मंच द्वारा आयोजित इस रैली में भारी भीड़ दिख रही है। रैली के समर्थन में आरएसएस के स्थानीय स्वयंसेवक और बीजेपी के स्थानीय नेता भी इसमें शामिल हैं। यशवंत स्टेडियम से निकलकर ये रैली संविधान चौक तक जाएगी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, नागपुर में सीएए के समर्थन में इस रैली का आयोजन किया गया है। रैली के समर्थन में आरएसएस के स्थानीय स्वयंसेवक भी हैं, बीजेपी के स्थानीय नेता भी इसमें शामिल हैं और यशवंत स्टेडियम से निकलकर ये रैली संविधान चौक तक जाएगी। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट सीएए के समर्थन में आज नागपुर में एक रैली का आयोजन किया गया है। लोकाधिकार मंच द्वारा ये रैली जो है वो आयोजित की गई है और इस समय तस्वीरों में आप इस रैली को देख सकते हैं। ये रैली धीरे धीरे नागपुर के यशवंत स्टेडियम से निकलकर संविधान चौक की ओर जा रही है। बड़ी संख्या में इसमें महिला वर्ग जो है वो शामिल हुआ है, साथ ही साथ युवा और पुरुषों की संख्या भी इस रैली में देखने को मिल रही है। देखिए किस तरह से हाथों में जो ध्वज है, भारत का तिरंगा ध्वज है, भाजपा के कार्यकर्ता भी इस रैली में बड़े पैमाने पर शामिल हुए हैं, इसलिए भाजपा के ध्वज भी इस रैली में देखने को मिल रहा है। नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो स्वयंसेवक हैं वो भी बड़ी संख्या में इस रैली में शामिल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार द्वारा जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पारित करवाया गया है संसद से, जिसे कानून का एक स्वरूप दिया गया है, उसके समर्थन में अब लोग जो हैं वो नागपुर में खुलकर सामने आ गए हैं। पिछले दो दिनों में नागपुर में दो बार बड़ी रैली जो है वो मुस्लिम समाज की ओर से और मुस्लिम संगठनों की ओर से आयोजित की गई थी, जिसमें सीएए का जमकर विरोध हुआ था, लेकिन अब उतनी ही ताकत से सीएए के समर्थन में जो लोग हैं वो सामने आए हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। रैली धीरे धीरे जो है अब आगे की ओर बढ़ रही है और इस रैली में भाजपा के भी कुछ लोग शामिल हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मोहन जी, रैली में